Good morning, friend. BSc first year. Welcome all the student in your online class. हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा बायोडायवर्सिटी एंड एवोल्यूशन, या जिसे हम कहते हैं जैव विविधता या उद्भिद विकास। तो इसमें हम बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे। दो टॉपिक्स हम इसके ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट हमने करा था जियो जोग्राफिकल रीजन, यानी कि प्राणी भौगोलिक क्षेत्र, पृथ्वी की जो प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है, छह प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने जीवों में अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन के बारे में हमने अध्ययन किया था। देन हमने जो स्टार्ट किया था वो था बायोडायवर्सिटी, यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता क्या है, किस किस प्रकार से जैव विविधता पाई जाती है, हमने टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी भी स्टडी की। अब हम उसी से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर आता है नया, वो आता है बायोडायवर्सिटी का संरक्षण, यानी कि जैव विविधता के लिए जो खतरे हैं, जो भी यानी थ्रेट्स हैं बायोडायवर्सिटी के लिए, और उन बायोडायवर्सिटी को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो कि इस जैव विविधता को बचाने में लगी हुई है, तो उसके रिलेटेड हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, हमारा जैव विविधता के खतरे व संरक्षण के उपाय, यानी थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये हमारा नया टॉपिक है, यानी कि हमारी इस यूनिट का फोर्थ टॉपिक है जो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, कि अलग अलग जीव है होता है। जैसे हमने खुद
अपना घर बनाने के लिए या अपनी कोई उद्योग लगाने के लिए हमने क्या करा कि हम नगर बढ़ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हमने पेड़ों को काट दिया, जंगल खत्म हो रहे हैं, फॉरेस्ट वगैरह क्या हो रहे हैं कि बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। अब जब फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं तो एनिमल कहाँ रहेंगे, उनका घर खत्म हो रहा है, वो घर खत्म होता है तो वो कहाँ माइग्रेट होते हैं, वो भी क्या दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें क्या होती है, एक दूसरे से को रिलेटेड होती है, और इनको अगर हम कंजर्व नहीं करते हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट इस पर आता है, हमारे पारिस्थितिक पर आता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी यानी जो जीव है विभिन्न प्रकार के, इनको संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ हम पहले देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, यानी कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जिनके थ्रू हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, और फिर हम कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं। चलिए लिखेंगे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के द्वारा जैसे जैसे उपकरणों का विकास हुआ, मानव की प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करने की क्षमता, भी बढ़ गई। पृथ्वी पर उपस्थित जैव विविधता
जैव विविधता में कमी आने लगी। पृथ्वी पर वन्य जीवों व वनस्पतियों की संख्या की विलुप्ति के निम्नलिखित कारण हैं। पृथ्वी पर वन्य जीवों व वनस्पतियों की विलुप्ति के निम्न कारण हैं, या हेडिंग डाल सकते हैं जैव विविधता का के खतरे, जैव विविधता के लिए खतरे। क्या डालेंगे? जैव विविधता के खतरे, यानी कि थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, लिखेंगे natural resources including forest, including forest natural habitats natural habitats and natural habitats and wildlife. Wildlife.
development and development and increasing science and technology and increasing science and technology science and technology has ecology and environment, ecology and environment. Increases in population, increases in population and excessive use of resources, both renewable, renewable or non-renewable. Brought the ecology to our border. Ecology to our border. Line brought the ecology to our border line. Where important biological important biological chemical and physical resource have been and physical resources
drastic changes brought about in the environment and habitat due to population explosion, habitat due to population explosion and unmanaged activity and unmanaged beings has brought beings have brought about major changes major changes in the natural resources this biodiversity loss, this biodiversity loss showing its impact on the overall ecology and environment. And finally, man started realizing the fact.
हेडिंग क्या है? थ्रेड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि नेचुरल हैबिटेट्स या इकोलॉजी और एनवायरमेंट्स में क्या हुआ, चेंजेस की वजह से जो एनिमल्स है या प्लांट्स है उनको क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, और ड्रेस्टिक चेंज की वजह से क्या हुआ, इकोलॉजी और एनवायरमेंट में भी चेंज हुआ। अब लिखेंगे थ्रेड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। पहला लिखेंगे शिकार या अवैध, शिकार या अवैध शिकार यानी हंटिंग। जीवों से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए मानव द्वारा जीवों का शिकार किया जाता है। जीवों का शिकार किया जाता है जैसे एशियाई हाथी के दांत, जैसे एशियाई हाथी के दांत, सजावट सामग्री के रूप में, जैसे एशियाई हाथी के दांत सजावट सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। बाघ, बाघ बदीना तेंदुआ, बाघ बदीना तेंदुआ, बारासिंगा, गौड़ावन, बारासिंगा, गौड़ावन आदि जीवों की त्वचा, आदि जीवों की त्वचा से विभिन्न उत्पादों का, आदि जीवों की त्वचा से विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अतः इन उत्पादों तथा मांस की प्राप्ति के लिए, उत्पादों तथा मांस की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा इनका शिकार किया जाता है, मानव द्वारा इनका शिकार किया जाता है। बहुत से जीवों की त्वचा से, बहुत से जीवों की त्वचा से विभिन्न प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं, बहुत से जीवों की त्वचा से विभिन्न प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं, जैसे गेंडा, भालू, गैंडा, भालू, बाघ तथा कस्तूरी मृग से, तथा कस्तूरी मृग से
जिसके कारण इनका शिकार किया जाता है, जिसके कारण इनका शिकार किया जाता है और इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है।
medicinal, therapeutic, करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।